अपने बाल्यावस्था में ही महाभारत का अध्ययन करने के बाद धीरे धीरे मन में महाभारत के पात्रों को जानने, उस पर विचार करने की काफ़ी जिज्ञासा जागृत हुई और एक महाकाव्य गौतम बुद्ध पर लिखने के बाद युद्ध पर्व महाभारत पर लिखने का हमने प्रारंभ किया, जो प्रकाशन को इस समय जाने वाला है। लेकिन मेरे मन में यह बात आई कि महाभारत के उन स्थलों का क्यों न निरीक्षण किया जाए, उसको देखा जाए जिन स्थलों का वर्णन महाभारत में आया हुआ है, और एक युग का इतना महत्वपूर्ण स्थल है जिसको पूरा विश्व अपनी दृष्टि से देखता है महाभारत के परिप्रेक्ष्य में। तो यही सोच के हम लोग हस्तिनापुर की ओर निकले कि यहाँ चल के देखा जाए हस्तिनापुर में जो बहुत बड़ा किला था वो किस स्थिति में है, और वहाँ कैसे लोग हैं, वहाँ क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, पुरातात्विक स्थल क्या वर्णन करते हैं। वहाँ हम लोग मेरठ होते हुए मवाना तहसील में स्थित इस हस्तिनापुर को देखने के लिए जब पहुँचे तो पहले तो लोगों ने जो बताया उस हिसाब से हम लोग जम्बू द्वीप नामक स्थल पर गए, जहाँ की जैनियों के मंदिर का एक विशाल श्रृंखला वहाँ स्थित है और बहुत भव्य मंदिर बना हुआ है जैनियों का, और वहाँ लोग आ रहे थे पर्यटन करने के लिए, देखने के लिए मंदिर। लेकिन वहीं पूछने पर ये पता चला कि यहीं से थोड़ी दूर पर हस्तिनापुर का वह पुराना ध्वंसावशेष किला मौजूद है, जिसके बगल में मंदिर है और उस मंदिर में कुछ लोग रहते हैं, वो आपको बताएंगे। तो हम लोग वहाँ गए और जाने के बाद यह पता चला कि बहुत बड़ा टीला तो विस्तृत फैला हुआ है, लेकिन उसके अंत में मंदिर बना हुआ है, और मंदिर भी जो है वो उसमें कई लोग पूजा कर रहे थे, कुछ लोग कीर्तन गा रहे थे। और पहुंचने पर उन्होंने बताया कि ये पुरातात्विक स्थल है, यहाँ पर पुरातत्व विभाग की ओर से इसके संरक्षण हेतु कोई लगाया भी गया है जो यहाँ की चीज़ों को छेड़ने छाड़ने नहीं देता है। और वो क्या बताओ यहाँ के विषय में बताइए कि ये जो स्थान है, जो हस्तिनापुर है, जो हस्तिनापुर चर्चित है केवल भारत में नहीं पूरी दुनिया में, उसके विषय में ये प्रकाश डालिए कि वो हस्तिनापुर का किला कहाँ है, कौन सा है, और वो कौन कौन से चर्चित स्थान है, और ये जगह कौन सा है। बोल पांडेसर भगवान की जय। ये पांडेसर भगवान है, श्री कृष्ण भगवान और पांडव ने इस शिवलिंग की स्थापना करी, इसकी स्थापना करी, और ये स्पेशली पांडव इसमें पूजा करते थे, और इसका जीर्णोद्वार करवाया राजा नैन सिंह ने 1798 ईस्वी में। राजा नैन सिंह गुर्जर प्रतापी राजा हुए, बड़े महान राजा हुए बैसुमे के, तो उन्होंने इसका जीर्णोद्धार कराया। प्राचीन भूमि रही और ऐसी भूमि रही जैसे किसी ने पांडु भगवान से आगे पांडेसर भगवान की मेरे पर दया करी हो, तो उस पर दया ऐसी कर दी। वो हस्तिनापुर जिसके लिए चर्चित है वो किला आज कहाँ है, कहीं देखने को वो जगह मिलेगा? आप किले के बीच में खड़े हो, ऐसा मतलब की अनुभव करो आप थोड़ा सा। ये गंगा सामने, गंगा माँ ये सामने नीचे, पहले तो यही बैठ रहे, पहले गंगा माँ इस टीले से भिड़ के, जहाँ आप बैठे हो टीले से भिड़ के पांडेसर भगवान के हाथ जोड़कर गंगा माँ नमन करते। तो नदी है पीछे? हाँ, इस सामने पुरानी गंगा है, नदी नहीं पुरानी गंगा, हाँ बूढ़ी गंगा कह दें जैसे, फिर गंगा कटते कटते फिर पर चलेगी। ये आई कहाँ से है? ये तो गौमुखी से आई, वही गंगा जी, गंगा जी है, खसक गई उधर,
गौमुखी बद्री नारायण लक्ष्मण झूला छोटी नहर हरिद्वार ऋषिकेश कणखल में अमृत की लहर और इलाहाबाद गढ़ मुक्तेश्वर गया जी पवित्र कलकत्ते से सीधी होली हावड़ा दिखा गई शान समुद्र में जाके मिल गई सागर का घटाया मान और वे सूर्य जी ने अमृत पी कम बुझल का किया बखान उई गंगा आई भाई जी महाराज। और इसके महंत इसके जो महंत है प्राचीन जी चलाया जैसे तो बाबा ट्रस्टर नाग सन्यासी हुए एक समय बहुत पुराने समय में और जो कि राजा रघुवीर सिंह थे अपने समय में लंडूरे के राजा राजा रघुवीर सिंह है जिन्होंने मतलब कि योग ले लिया था बाकी की रियासत यहाँ से लेकर दिल्ली तक ये सब उन्हीं की रियासत चलती थी हरिद्वार से गढ़ तक सब उन्हीं रियासत राजा रघुवीर सिंह। तो ऐसी कोई स्थिति आई ऐसा भाव बना योगी बन के घोड़ा रखते थे शामकरण नाम का और यहाँ ही रहे का जो है कूप है कोई कुआं है और ये भी बताया कि कर्ण का कोई मंदिर है लेकिन हम लोग जो वहाँ के स्थल का निरीक्षण किए उससे ऐसा प्रतीत हुआ कि एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक स्थल काफ़ी परित्यक्त रूप में पड़ा हुआ है। संभवतः इस पर विशेष दृष्टि पुरातत्व विभाग अथवा हमारे यहाँ की सरकारों की नहीं पड़ी जिससे कि उसका विकास हो सके और पर्यटन स्थल भी बन सके क्योंकि इतना ज़्यादा वहाँ वीरानियत मालूम हो रही थी जैसे लगता था कि यहाँ बहुत कम लोग आते जाते हैं कम लोग रहते हैं और वही वीरानियत जो मूक भाषा में अपने बता रही थी कि यहाँ बहुत बड़ा कत्लेआम हुआ था बहुत बड़ा संग्राम हुआ था यहाँ के लोग सब विनष्ट हो गए थे लड़के आपस में मर गए थे। पर युग में
चंद्रवंशियों का जो शासन काल था, हस्तिनापुर उसका एक प्रमुख शासन केंद्र था। यही कौरव और पांडव राज्य किए थे। महाभारत के युद्ध का यही सूत्रपात हुआ था, यही निर्णय हुआ था कि महाभारत का युद्ध होगा। और श्री कृष्ण मथुरा से आकर के यहाँ हस्तक्षेप किए थे, दोनों पक्षों के बीच में समझौता का प्रयास किए थे, लेकिन जब समझौता विफल हुआ तो कुरुक्षेत्र के मैदान में, कुरुक्षेत्र यहाँ से जहाँ बड़ा भयंकर युद्ध हुआ था, उतना बड़ा युद्ध भारतवर्ष में कोई नहीं हुआ जैसा कहा जाता है, क्योंकि यह काल 5000 वर्ष से भी ऊपर का है। अब यहाँ ध्वंसावशेष जो दिखाई दे रहे हैं वह उनमें प्राचीन काल का तो कोई चीज़ द्रष्टव्य नहीं हो रहा है। हाँ, वो पुराना टीला, ऊंचा टीला और ये मंदिर जो जिसका नवनिर्माण भी हुआ है, कुछ थोड़ा बहुत लोग बता रहे हैं कि यही वो किला रहा होगा। हाँ, इसके कुछ दूरी पर द्रौपदी का कुआं बताते हैं, कर्ण का मंदिर भी बताते हैं कुछ दूरी पर, लेकिन कुल मिला के वह प्राचीन ध्वंसावशेष अब मूल रूप में नहीं दिखाई दे रहे हैं। बस वही गिरे पड़े टीले के रूप में बहुत बड़े क्या कहते हैं वो, कोई निर्मित चीज़ नहीं दिखाई दे रही, जैसे पुरानी दीवार हो, पुराना खंभा हो। क्योंकि हम लोगों ने यहाँ बहुत खोजा, यहाँ तलाश किया कि कहीं तो मिले कुछ पुराना, लेकिन पुराना कोई न खंभा है, न कोई दीवार है, न कोई मंदिर है, न कोई किला है, कुछ नहीं। सब बहुत ऊंचा टीला है, बहुत दूरी में फैला हुआ है। और ये मंदिर है जहाँ हम लोग खड़े हैं, ये मंदिर भी उस स्मृति में बनवाया गया है किसी राजा द्वारा। और इससे ज़्यादा इसकी जानकारी करने के लिए तो हमें महाभारत ग्रंथ पढ़ना पड़ेगा, फिर उसके इतिहास का हमें अच्छी तरह से ज्ञान हो पाएगा। परंतु उस स्थल पर अब कोई भी ऐसे शेष चिन्ह नहीं मिलने वाले हैं जो महाभारत ग्रंथ को पढ़ने के बाद हमारे दिमाग में, हमारे स्मृति पटल पर उभर कर आते हैं। ईश्वर महादेव मंदिर है हस्तिनापुर में, हस्तिनापुर मेरठ में आता है। यहाँ के लोगों का ये कहना है कि इसको भगवान श्री कृष्ण और पांडवों ने मिलकर यहाँ भगवान शिव की शिवलिंग की स्थापना किया था। तो यहाँ पर केवल अवशेष के रूप में ये पांडेश्वर मंदिर का ही जो स्थान है जो किले पर बचा हुआ है, जिसको अभी थोड़ी देर पहले यहाँ के कुछ साधुओं ने भी इसके विषय में चर्चा किया, और इसके नीचे काफ़ी पुरानी पुरातात्विक चीज़ें पड़ी हुई हैं जो पुरावशेष हैं, पुरावशेष के रूप में है, जिसको जिस पर अगर पुरातत्व विभाग खुदाई करे और सरकार इस पर ध्यान दे तो बहुत सारी प्राचीन चीज़ें जो है वो प्राप्त हो सकती हैं। तो आइए अब आपको दिखाते हैं कि पांडेश्वर महादेव शिवलिंग, जिसको भगवान श्री कृष्ण और पांडवों ने मिलकर इसकी स्थापना किया था। इस टाइम हम मौजूद हैं हस्तिनापुर के किले के पास में, जो प्राचीन काल का हस्तिनापुर है। आज हम उसके विषय में आपको जानकारी देने के लिए आए हैं। वो पांडव की पूरी कहानी दिमाग में वहाँ नाचने लगी, लेकिन फिर भी एक आश्चर्य हुआ कि आखिर इतना परित्यक्त स्थल क्यों है। क्योंकि महाभारत काल जो है वो द्वापर युग के अंत का समय था, उसी कालखंड के बाद द्वापर युग का अंत हुआ और कलयुग का प्रारंभ हुआ, जिसे राजा परीक्षित के समय में कहा जाता है। चंद्रवंशी राजाओं का की राजधानी होते हुए भी यह हस्तिनापुर इतना परित्यक्त, इसको देखते हुए हम लोग बहुत आश्चर्यचकित हुए। लेकिन फिर भी हम लोग देख के उसका अवलोकन करके, निरीक्षण करके, चूँकि समय ऐसा था कि दिन व्यतीत हो चुका था तो हम लोग उस टीले पर तो नहीं जा सके, लेकिन नीचे से हम लोगों ने जो अध्ययन किया उससे काफ़ी कुछ जानकारी हुई। और सबसे ज़्यादा कष्ट उसके परित्यक्तता पर हुआ, लेकिन अब क्या किया जाएगा, जो सामने था उसे देखा गया। हाँ, हम लोग ये ज़रूर चाहेंगे कि इसको इस
इसको विकसित किया जाए, पुरातत्व विभाग इस पर थोड़ा ध्यान दे और उस विभाग पर भी सरकार ध्यान दे तो और अच्छी बात होगी, क्योंकि यहाँ तो पर्यटन स्थल का विकास भी किया जा सकता है। धन्यवाद।